नमस्कार, प्रखर गूंज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं शाहना परवीन आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रखर गूंज साहित्य नामा मासिक पत्रिका के वर्ष तृतीय अंक 6 जून अंक 2021 और मूल्य केवल 65 रुपए की समीक्षा लेकर। जी हाँ दोस्तों, साहित्य नामा हमारे करीब आ चुकी है। परिवार के सदस्यों में समा चुकी है। रचनाएं लाजवाब और अर्थ लिए साहित्य नामा की आज घर घर की पत्रिका बन चुकी है। प्रखर गूंज आप सभी आदरणीय सम्मानित साहित्यकारों रचनाकारों का धन्यवाद प्रकट करता है, जिन्होंने अपनी अमूल्य लेखनी से साहित्य नामा पत्रिका में 4 चांद लगा दिए। प्रखर गूंज प्रकाशन के सानिध्य में प्रकाशित मासिक पत्रिका साहित्य नामा आज साहित्य प्रेमियों के बीच अपनी पहचान बना चुकी है। दोस्तों, साहित्य नामा के जून अंक में आपको कहानी, लघु कथा, संस्मरण, कविता, गजल, लेख, आलेख आदि पढ़ने को मिलेंगे। इसके संपादक हैं आदरणीय नीलू सिन्हा जी, मैनेजिंग एडिटर श्री लाल चंद्र यादव जी और उप संपादक हैं आदरणीय आरती प्रियदर्शनी जी। अब बात करते हैं प्रखर गूंज की कड़ी साहित्य नामा के जून अंक की। इस पत्रिका की शुरुआत होती है संपादिका नीलू सिन्हा जी के संपादकीय से, जिन्होंने महामारी में जीवन की किरण टीकाकरण के माध्यम से कोरोना वैक्सीन को प्रत्येक के लिए आवश्यक बताया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने वैक्सीनेशन का अर्थ भी जनमानस को बखूबी समझाया है। सभी लगवाए वैक्सीन, घरों में रहें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, ऐसा संपादिका महोदया ने अपने संपादन में सभी से आग्रह किया है। आदरणीय शिखर चंद जैन जी की बात करें तो उन्होंने जिंदा दिली और मस्ती से भरा रहेगा परिवार शीर्षक के अंतर्गत 7 सूत्र बताए हैं। हम साथ साथ हैं, अनुशासित होते हैं बच्चे, गलतियों पर नहीं डालते पर्दा आदि 7 सूत्रों के माध्यम से बच्चों और पेरेंट्स के आपसी विचारों का सुंदर ढंग से हम सबको समावेश करते हुए बताया है। उपन्यास श्रृंखला अनंत है, पाठक पढ़ ही रहे हैं। लेखिका की निरंतर आगे बढ़ती कहानी यही बता रही है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, गम हर जगह है, बस आवश्यकता है स्वयं को संभालने की। जैसे लाली ने अपने आप को संभाला हुआ है, 3 बच्चों को पालना, स्कूल में पढ़ाना लाली के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। आदरणीय प्रीति अज्ञात जी ने मिलावटी केवल इंजेक्शन नहीं हम भी हैं रचना के माध्यम से खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मिलावट आज हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुकी है, जो आज हमें इतनी बुरी नहीं लगती जितनी कि पहले लगा करती थी। नकली इंजेक्शन पर कटाक्ष करते हुए लेखिका ने कहा है कि आज भी हम हमेशा की तरह सब बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ दिनों तक चर्चाएं होंगी, फिर सब ठंडा पड़ जाएगा। हमेशा की तरह जब तक गंभीरता से आवाज नहीं उठाई जाएगी, तब तक मिलावट ऐसे ही आगे बढ़कर हमारे जीवन को प्रभावित करती रहेगी। आदरणीय चितरंजन गोप लुकाठी जी की लघु कथा मेरे देश की धरती सत्य को उजागर करती प्रतीत हो रही है। शंकर ने अपने फोन की रिंगटोन बेशक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती लगा कर रखी है, परंतु जिस भूमि पर उसने अपना मकान बनवाया है उसकी मिट्टी को कई बार शुद्ध करवा चुका है। शंकर की सोच अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाई पड़ रही है। सुंदर कटाक्ष करती लघु कथा आदरणीय डॉक्टर उषा किरण जी की रचना मन रे धीर धरो। नाम ही से पता चल रहा है कि हमें कभी धीरज नहीं खोना चाहिए। कोरोना काल में समस्या का निदान केवल निराशा में आशा का दामन न छोड़ो, जिसे लेखिका ने सुंदर शब्दों में बयान किया है। अब बात करते हैं आदरणीय सवि शर्मा जी की कविता अर्ध नारीश्वर के माध्यम से सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करते हुए। तन के प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण मन का प्रेम है, जो एक नारी को अर्ध नारीश्वर बनाता है। डॉक्टर संदीप कुमार मेहरोत्रा जी की लघु कथा आत्म संतुष्टि सुंदर अर्थ प्रस्तुत कर रही है।
लेखक ने एक रिक्शे वाले के प्रति जो दया और स्नेह का भाव दिखाया है, प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। श्री पंकज एस दयाल जी का लेख अवलोकन थिएटर मंच के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार कमल किशोर पाल जी के संघर्षमय जीवन को बताता है। पीयूष मिश्रा जी ने अपने नाटक में भारत के बंटवारे को काफी हद तक विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। उनका नाटक युवा जोश व भटकी हुई मानसिकता को दिखाता है। अवलोकन थिएटर मंच के निर्देशक श्री पंकज एस दयाल जी ने नाटक को सफल बनाने हेतु सारा श्रेय नाटक की पूरी टीम को दिया है। भावना ठाकर जी ने बेहद उम्दा रचना लिखी है, एक पति की अपनी पत्नी से अपेक्षा क्या होती है। जिस प्रकार एक स्त्री चाहती है कि उसका पति उसकी बात माने, उसे प्रेम करे, ठीक वैसे ही पति की भी अपनी पत्नी से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। लेखिका ने पति पत्नी की आपसी अपेक्षाओं को सुंदर ढंग से अपने लेख में स्थान दिया है। एक शिक्षक ऐसा भी कहानी के अंतर्गत आदरणीय खुशबू जी ने बेहद मार्मिक शिक्षा प्रद कहानी लिख डाली है। गुरु केवल वह व्यक्ति ही नहीं होता जो हमें केवल किताबें पढ़ना सिखाता है, बल्कि वह भी होता है जो जीवन में हमें सही मार्ग भी दिखाता है। कोरोना को भगाना है तो मोहम्मद जमील साहब ने कोरोना पर सबका ध्यान केंद्रित करते हुए सुंदर रचना लिखी है। कोरोना से बचाओ, बच्चों की पढ़ाई और सकारात्मकता से भरपूर रचना लिख डाली है। गजल की ओर रुख करते हैं। आदरणीय अंजू दास गीतांजलि ने बेहद उम्दा और खूबसूरत गजल लिखी है। उस गली से नहीं मतलब जिस गली में मुझे रहना नहीं, वह बेहतरीन पेशकश। श्री महेंद्र कुमार मध्येशिया जी की कविता गुलाम और गुलामी गहरा अर्थ व्यक्त कर रही है। आज का व्यक्ति अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नजर आता है। लेखक ने कविता के माध्यम से सत्य को उजागर किया है कि वस्त्रों पर कभी ध्यान मत देना, सफेद वस्त्र वाले अक्सर काले धंधे करते हैं। दिन बदल भी सकते हैं। श्री तेजस नेगी जी की रचना नाम के अनुरूप अपना अर्थ स्वयं बताती प्रतीत हो रही है। ऊर्जा, साहस, सकारात्मकता का संदेश देती बेहद सुंदर रचना लिखी है। गैर वेतन भोगी गृहणियों के साथ न्याय, एक दिवा स्वप्न सपना आदरणीय सलिल चौधरी जी ने घरेलू महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जागरूक लेख प्रस्तुत किया है। महिलाओं द्वारा किया गया श्रम पुरुषों से कई अधिक माना गया है। निरंतर कार्य में लगी रहने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता बेहद सुंदर लेख। डॉक्टर मधु आदिवाल जी की कहानी दरकते रिश्ते पति पत्नी के रिश्तों में लिखी बेहद खूबसूरत कहानी है। एक पत्नी अपनी सूझबूझ से किस प्रकार अपने रिश्ते को दीमक लगने से बचा सकती है, बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है। श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी कोमल जी की कुंडलियां धनुष बाण ले हाथ के अंतर्गत कोरोना को दानव बताते हुए लिखा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और कोरोना राक्षस का विनाश होकर संसार सुख और चैन से रहेगा, सकारात्मक का संदेश देती बेहद सुंदर रचना। डॉक्टर अमृता पांडे जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन से जुड़ी बातें हम सबके साथ साझा की हैं, जिनको पढ़कर हमें सुमित्रा नंदन पंत जी के कई गुणों का पता चला है। कहते हैं पत्रिका में अगर बच्चों का कोना दे दिया जाए तो पत्रिका में चार चांद लग जाते हैं। जून 2021 के साहित्यनामा में बाल गीत फूलों की टोकरी और बाल पहेलियों को स्थान दिया गया है, जो बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करती है। जहां एक तरफ सुरेंद्र सेमलटी जी ने फूलों के कई प्रकार बताए हैं, तो कमलेंद्र श्रीवास्तव जी ने पहेलियों के माध्यम से बच्चों में उत्सुकता का समावेश किया है। वहीं दूसरे छोर पर सुधांशु पांडे मुक्त प्राण निराला जी ने अपनी कविता महासभा के माध्यम से हम सबको राजनीति के आजकल के दाव पेजों से मिलवाया है। आदरणीय रीटा कंकड़ जी ने अपनी लघु कथा
भूलने की बीमारी के माध्यम से एक 10 साल की बच्ची के हृदय की पीड़ा को शब्द देकर सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी लिखी पंक्तियाँ, भगवान जी ने हमें इस धरती पर तो भेज दिया लेकिन हमें घर तो देना भूल ही गए और कभी कभी रोटी देना भी भूल जाते हैं, बेहद मार्मिक पंक्तियाँ लिखी है आदरणीय जी ने। आदरणीय रंजना मिश्रा जी ने बहुत जरूरी है नक्सलवाद का समाप्त होना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ नक्सली हमले के बाद जहां सुरक्षा बहुत आवश्यक हो गई है वहां युवा पीढ़ी को लुभाने के लिए भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, विषय में ज्ञानवर्धक लेख प्रस्तुत किया है। ज्योति जैन नूतन जी की लघु कथा जवाबदारी के माध्यम से एक कुशल बहू और सबसे बड़ी बात उसके पति की समझदारी का परिचय देते हुए बेहतरीन लघु कथा लिखी है जो सास बहू को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जवाबदारी क्या है। बात करते हैं निशांत राज और अंकुर जी की दो कविताओं की। कविताएं सत्य तेरे रूप अनेक और हाय रे कोरोना सच को प्रदर्शित करती जान पड़ रही हैं। जहां एक और कोरोना ने लोगों का जीवन बदल कर रख दिया वहीं सत्य को ढूंढते ढूंढते मानव आज तक सत्य की खोज ही नहीं कर पाया। जिसने सत्य को जैसा देखा वैसा ही मानकर स्वीकार कर लिया। दोनों रचनाएं बेहद खूबसूरत ढंग से लिखी गई हैं। आदरणीय अली खान जी का आलेख सुलगता पश्चिमी एशिया क्यों मौन है दुनिया, लेखक ने फिलिस्तीन व इजराइल के बीच के संघर्ष को मध्य में रखकर बहुत ही सुंदर आलेख हम सब के सामने रखा है जो हमें इस संघर्ष की कहानी बता रहा है। आदरणीय मनु वाशिष्ठ जी का आलेख स्वास्थ्य पर केंद्रित है, लेखिका ने कब्ज जैसी भयानक बीमारी से अपने विचारों के साथ हमें अवगत कराया है। इस बीमारी के लक्षण निदान आदि उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और अंत में पृथ्वी सिंह बैनीवाल विश्नोई जी ने अपनी रचना जामभाड़ी साहित्य में श्री रामचरित्र के अंतर्गत जामभाड़ी साहित्य के विषय में सुंदर ज्ञान हमें दिया है। इस साहित्य की रचना गुरु जाम भोजी द्वारा आरंभ की गई थी। गुरु जामभाड़ी जी ने अपनी अमरवाणी के अनेक शब्दों में श्री राम व राम परिवार का उल्लेख किया है। पृथ्वी सिंह बैनीवाल जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस लेख के माध्यम से हमारा जामभाड़ी साहित्य से परिचय कराया। अपनी रचनाओं में अपना अर्थ समेटे सुंदर रचना इस साहित्य नामक जून अंक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। मात्र 65 रुपए की इस पत्रिका को आप readwear.com पर भी पढ़ सकते हैं और इसके प्रति मंगवाने के लिए प्रखर गूंज की मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी यह समीक्षा पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी समीक्षा से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और अधिक ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।